दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं दिल्ली की राजनीति को लेकर। आपसे हरियाणा के बारे में तो हम लगातार बात करते रहते हैं, बीच बीच में अन्य प्रदेशों के बारे में भी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बारे में हमने आपसे कई वीडियोज में बात की। आज आपसे मैं बात करूंगा दिल्ली की राजनीति को लेकर, और दिल्ली की राजनीति इस समय बहुत गर्म है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपवास किया अपने नेता, अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वहां का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, वहां का राजनीतिक माहौल क्या है, आप इसे कुछ यूं समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर 31 मार्च को बहुत बड़ी रैली हुई और वो रैली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में थी, और उस रैली के अंदर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इकट्ठे हुए, भीड़ भी खूब जुटी। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी यानी कि 21 मार्च से लेकर और आज तक ना तो आम आदमी पार्टी उस मुद्दे को छोड़ना चाह रही है। प्रतिदिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कोई प्रदर्शन, कोई एजिटेशन, जब तक वो चाहे वो ईडी की हिरासत में रहे, चाहे वो तिहाड़ जेल जा रहे थे, चाहे वो तिहाड़ जेल में हैं, रोज कुछ ना कुछ आम आदमी पार्टी करती है। तो जवाब में भारतीय जनता पार्टी भी, जैसे आज जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने उपवास किया, तो उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पर प्रदर्शन किया। यानी कि राजनीति पूरी तरह से गर्म है, और इस गर्मी वाली राजनीति के अंदर चुनावी गर्मी और जमा है, क्योंकि अब चुनाव का नगाड़ा बजा हुआ है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है और दिल्ली के अंदर 25 मई को मतदान होगा। तो दिल्ली के चुनाव को लेकर के भी खूब सरगर्मी है। अरविंद केजरीवाल जब तक जेल नहीं गए थे, तभी उसी समय पर ही दिल्ली के अंदर समझौता हो गया था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 3 सीटें कांग्रेस के हिस्से में है। जो 4 सीटें आम आदमी पार्टी के हिस्से में है, अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, और जो 3 सीटें कांग्रेस के हिस्से की हैं, उन पर प्रत्याशियों का इंतजार है। चर्चा है कि उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट जो है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मनोज तिवारी, भोजपुरी फिल्म अभिनेता, भोजपुरी गायक हैं, भोजपुरी गाने गाते हैं, रिंकिया के पापा के नाम से उनका बहुत मशहूर चलता है, और कई उनके गाने ऐसे हैं कि जिन पर विवाद भी होता है। मनोज तिवारी कब क्या कहते हैं, इन बातों पर भी कई बार विवाद होता है, लेकिन मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत, आप मान लें तो वहाँ के लोकप्रिय, यूँ कह सकते हैं कि लगातार 2 बार से सांसद हैं। 2014 में भी चुनाव जीते थे, 2019 में भी चुनाव जीते, और उस उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो लोकसभा सीट है वो अलायंस के अंदर कांग्रेस के खाते में है, और कांग्रेस भी यहाँ पर अब की बार दिल्ली में, खासकर जो 3 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, उन पर अपना बेहतरीन करने के लिए पूरी जुगत में है। और इसके साथ साथ आप मान लें तो 2024 के चुनाव को राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कांग्रेस का तमाम नेतृत्व हो, वो पूरी सक्रियता और गंभीरता से ले रहा है। जनता क्या रिजल्ट देगी, ये बात की बातें हैं, जनता क्या परिणाम देगी, ये बात की बातें हैं, लेकिन आप इसे यूं मान लें कि कांग्रेस की जो तैयारी है वो कितनी जबरदस्त है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने लोकसभा चुनाव के आगाज से पहले अपनी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो उनका दूसरा चरण था जिसमें न्याय साथ जुड़ा था, उसका समापन किया। पूर्वोत्तर के राज्यों से शुरू हुई थी वो यात्रा और महाराष्ट्र के अंदर जाकर संपन्न हुई थी। और इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो पैदल यात्रा थी, और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली वो सवारियों, व्हीकल्स के साथ यात्रा निकाली थी। मतलब उन्होंने एक तरह से कहें तो पूरे देश को नापने की कोशिश की, और राहुल गांधी कहते थे कि पूरे देश को समझने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चुनाव को लेकर कांग्रेस की सक्रियता और गंभीरता दिखाई दे जाती है। और अब मैं आपसे बात कर रहा हूं उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट दिल्ली की, कि उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर क्या तैयारी है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था पहले कि क्या नेहा, जो भोजपुरी गायक हैं, वो हो सकती हैं कैंडिडेट, नेहा राठौर। और आज आपसे मैं चर्चा में हूं कि आज कन्हैया कुमार की रैली थी उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर ही दिल्ली में, और उस रैली में भीड़ भी ठीक ठाक थी, और कन्हैया कुमार जो अपने अंदाजे बयां के लिए मशहूर हैं,
उन्होंने पूरे जोर शोर से अपने भाषण वहां पर ब्रिटिश को जोड़कर तमाम बातों से। कन्हैया कुमार को जानने के लिए मुझे लगता है कि अब आपको बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं। कन्हैया कुमार JNU छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। कन्हैया कुमार जो एक विवादास्पद नारा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस विवाद को लेकर कन्हैया कुमार जेल भी रहे और उस मामले में हालांकि दिल्ली की पुलिस आज तक चार्जशीट नहीं दे पाई, चालान नहीं दे पाई है। कन्हैया कुमार बड़े ओपन कहा करते हैं कि बताएं उसके अंदर आखिर दिल्ली पुलिस बताती क्यों नहीं है, और आरोप वही लगते हैं जो तमाम एजेंसीज पर आरोप लगते रहते हैं कि भाई ये विरोधी नेताओं को फंसाने की साजिश होती है, तो कन्हैया कुमार भी वही कहा करते हैं। खैर, ये मैं आपको पहचान बता रहा था कि कन्हैया कुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वामपंथी पार्टियों के अंदर कन्हैया कुमार थे, लेफ्ट पार्टीज का हिस्सा थे, JNU के छात्र संघ का अध्यक्ष होते हुए भी वो लेफ्ट में थे, वामपंथी दलों में थे, BKP में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में, और उसके बाद में बेगूसराय से उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था लेफ्ट की टिकट पर। गिरिराज प्रसाद से बड़े अंतर से चुनाव हार गए थे। 2021 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को लेफ्ट को छोड़ दिया और 2021 में उन्होंने लेफ्ट को छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ कांग्रेस के आजकल वो स्टार कैंपेनर हैं, कांग्रेस के स्टार प्रवक्ता हैं, TV डिबेट्स पर भी दिख जाते हैं और बड़ी बेबाकी से जैसे बोलते हैं वो, मैंने बताया कि उनका अंदाजे बयां है। और अब आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं कि उस लोकसभा सीट यानी कि जो पूर्वांचल की मानी जाती है, जहां से मनोज तिवारी लगातार 2 बार सांसद हैं, उस उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर क्या कन्हैया कुमार कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते हैं? आपसे जिक्र इसलिए क्योंकि आज उनकी रैली थी और कांग्रेस बहुत जल्दी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली है। ये भी आपको पता है, मैंने भी बता दिया कि कन्हैया कुमार कांग्रेस के स्टार कैंपेनर है, राहुल गांधी के बहुत नज़दीक हैं, अपनी बेबाक जो उनकी शैली है बोलने की उसके लिए जाने जाते हैं। मोदी से लेकर के और अमित शाह से लेकर के, नड्डा जी से लेकर के BJP के तमाम संगठन को घेरते हैं, विवादास्पद आरोप भी लगे हैं उन पर, लेकिन उसके बावजूद जो उनका अंदाजे बयान होता है बात करने का, वो सबसे हटकर है। उत्तर पूर्वी जो लोकसभा सीट है, आपको पहले वहां का बता दें कि उत्तर पूर्वी लोकसभा का सिनेरियो क्या है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट जो मैंने आपको बताया कि पूर्वांचल की आती है, 10 उसके अंदर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जो 10 विधानसभा क्षेत्र है वो बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर, ये विधानसभा क्षेत्र हैं। और जो वहाँ का चुनाव परिणाम भी आपको बताते चलें, 2019 के चुनाव में मनोज तिवारी को 7,87,799 वोट मिले थे, 53.9%, यानी कि आधे से भी ज़्यादा वोटों में अकेले मनोज तिवारी थे। और उनके मुकाबले चुनाव हारी थी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, कांग्रेस कैंडिडेट थी, उनको मिले थे 4,21,697 वोट। दलीप पांडे वहां तीसरे नंबर पर थे, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, 1,90,856 वोट उनको मिले थे। और जो उससे पहले चुनाव हुआ था 2014 का लोकसभा का, उस चुनाव में मनोज तिवारी कैंडिडेट थे, उनको मिले थे 5,96,125 वोट, लगभग 45% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे थे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आनंद कुमार, उनको मिले थे 4,52,041। और जयप्रकाश अग्रवाल तीसरे नंबर पर थे कांग्रेस कैंडिडेट, 2,14,792। ये चुनाव परिणाम था 2014 का। और अब 2024 की तैयारी है। अब आप चलें कि उत्तर पूर्वी लोकसभा महत्वपूर्ण कैसे है, मनोज तिवारी कैसे बड़े नेता बन गए, और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या अब की बार जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है कोई चुनौती है। आप 2014 के चुनाव में देखें जिसके अंदर कि आपके कैंडिडेट दूसरे नंबर पर थे और तीसरे नंबर पर कैंडिडेट थे कांग्रेस के, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 45% वोट मिला था। और जो 2019 का चुनाव था जिसमें शीला दीक्षित हारी थी, उस चुनाव में BJP कैंडिडेट मनोज तिवारी को 53% वोट मिला था, यानी कि आधे से ज्यादा। अगर उन चुनाव को देख करके चले तो फिर तो ये कहा जाएगा कि कोई मुकाबला ही नहीं है आज भी। लेकिन आज का चुनाव, 2024 का चुनाव, वो सिनेरियो बदला हुआ है। 2024 के चुनाव में आप 2019 में जाएं तो 2019 के चुनाव का प्रमुख मुद्दा था
जो पुलवामा और उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद में एयर स्ट्राइक, इन तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि क्या आपका एक वोट देश के शहीदों के नाम नहीं हो सकता। आज जो 2024 का चुनाव है, इस चुनाव के अंदर आप मान लें तो एक मुद्दा तो राम मंदिर का है। प्रधानमंत्री हर जगह अपने संबोधन में राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन राम मंदिर का जो मुद्दा है, आप उसको मान के चलें कि राम आराध्य हैं, जन जन के आराध्य हैं, लेकिन राम राजनीति का मुद्दा नहीं है। और जब जब भी कभी आप इससे पहले एक बार देखें तो जब बाबरी मस्जिद का ढांचा विध्वंस हुआ था और उसके बाद जब चुनाव हुआ था देश में लोकसभा और उत्तर प्रदेश का विधानसभा का, उन दोनों चुनावों में इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि कल्याण सिंह की सरकार उस ढांचे को ध्वस्त करने के लिए शहीद हो गई थी। शहीद का मतलब कि सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। जब चुनाव हुआ तो चुनाव में जनता ने कल्याण सिंह की सरकार को, बीजेपी की सरकार को मत नहीं दिया, सरकार नहीं आई और विपक्ष सरकार में आ गया। उस समय में उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी और समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ और उस अलायंस ने बीजेपी को हरा दिया। जहां तक देश की बात है तो देश के अंदर भी लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को उसका कोई फायदा नहीं मिला। आज जब राम मंदिर का मुद्दे की बात चलती है, वैसे तो राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक रूप से उतना प्रभावी रहा नहीं। दूसरा, अगर सीएए के मुद्दे की बात कर ले, एनआरसी को लेकर के लेकर ले लें, तो इन सब पे आप देख लें कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ था इन मुद्दों को लेकर। 2020 का जो चुनाव हुआ था वो इन्हीं मुद्दों को लेकर हुआ था। अमित शाह बहुत गरजते थे, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के अंदर सरकार आम आदमी पार्टी की बनी। इन्हीं मुद्दों को लेकर दिल्ली में नगर निगम का चुनाव हुआ, लेकिन दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया और लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम से भी रुखसती हो गई। अब इन्हीं मुद्दों पर अगर चुनाव है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर चुनाव है, तो एक तरफ वो मतदाता है जो ये मानता है कि अरविंद केजरीवाल को अगर अरेस्ट किया गया तो वो ठीक नहीं हुआ, एक तरफ वो मतदाता है जो बीजेपी की फेवर का मतदाता है, एक तरफ वो मतदाता है कि जो ये सवाल खड़े करता है कि आखिर भ्रष्टाचार के अंदर वो लोग कैसे पाक साफ हो जाते हैं जो बीजेपी में चले जाते हैं। तो इसलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रभावी तो हो सकता है, लेकिन विवादों के घेरे में जरूर है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या नुकसान, आप इसका ठीक से आकलन भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों पक्ष की बात करने वाले लोग हैं। एक तरफ वो है, फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जिस प्रकार की केमिस्ट्री जुड़ी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, आप माने तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का तमाम नेतृत्व वहां मौजूद था। गांधी परिवार सारे का सारा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन, पूरी कांग्रेस जैसे ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल के पीछे वो साये की तरह खड़े हैं। मतलब इसे केमिस्ट्री कहते हैं कि ऐसी केमिस्ट्री जोड़ी गई कि जिसका दोनों पार्टियों के मतदाताओं को संदेश जाए। और एक बात और साफ हुई कि लोग ये कहते हैं कि अगर गठबंधन हुआ तो क्या वोट ट्रांसफर होगा, तो उस रैली के बाद में ये भी संकेत चला गया कि दोनों पार्टियों का जो वोट है वो मानसिक रूप से बीजेपी का विरोधी है और एक दूसरे को ट्रांसफर बड़े आराम से हो जाएगा। इस लिहाज से आप मान के चले कि दिल्ली का रण बहुत भीषण होने वाला है। अगर मनोज तिवारी, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से कैंडिडेट हैं, अगर वो स्टार हैं, भोजपुरी गायक हैं, तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार भी एक स्टार कैंपेनर के रूप में एक बड़े चरित्र बन जाते हैं। अगर मनोज तिवारी की फैन फॉलोइंग है तो कन्हैया कुमार की फैन फॉलोइंग उससे ही बड़ी है। इसलिए मैंने आपसे पहले एक वीडियो में कहा था कि क्या रिंकिया के पापा को टक्कर कौन देगा, तो जिस प्रकार का माहौल अब दिखने लगा है तो उससे लगता है कि कन्हैया कुमार रिंकिया के पापा को टक्कर देने के लिए उत्तर पूर्वी लोकसभा में शायद बतौर कांग्रेस कैंडिडेट जल्दी उतरने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली के रण में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कितना बड़ा मुद्दा बनेगी? आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर चुनाव होगा तो उसका बीजेपी को फायदा होगा या उसका कोई नुकसान हो सकता है? और आपको क्या लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो मतदाता एक दूसरे की तरफ वोट ट्रांसफर करेगा, और क्या ये गठबंधन बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती बनेगा?
कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।